रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम के शतक का। हुबली धारवाड़ के ईदगाह मैदान में ही मनाया जाएगा गणेश चतुर्थी का उत्सव। कर्नाटक हाईकोर्ट ने दी अनुमति। अरुणाचल पर चीन के दावों को जर्मनी ने बताया ज्यादती। कहा बीजिंग कर रहा है विश्व व्यवस्था का उल्लंघन। आपके ऑपरेशन लोटस के आरोप पर जांच की मांग। दिल्ली के 7 सांसदों ने उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी। वडोदरा में गणेश स्थापना जुलूस के दौरान पथराव। मामूली बात पर हुई कहा सुनी। पंजाब एक्साइज पॉलिसी पर सियासी संग्राम। गवर्नर से मिलेंगे अकाली नेता। सुखबीर बादल बोले 500 करोड़ का घोटाला। सोनाली के फॉर्म हाउस पर पहुंची हिसार पुलिस। सीसीटीवी की एक डीवीआर और 3 सप्लाई बॉक्स बरामद। अंकिता हत्याकांड में झारखंड हाईकोर्ट ने डीजीपी को किया तलब। परिवार को सुरक्षा देने के आदेश। मठ प्रमुख पर यौन शोषण के आरोपों के बाद बोले भाजपा एमएलसी, सब कुछ वोट बैंक की राजनीति है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुविवाह और हलाला के खिलाफ याचिकाओं पर मांगा जवाब। संविधान की पीठ करेगी सुनवाई। मोदी के कहने पर रुका था रूस यूक्रेन युद्ध। राजनाथ बोले 22,000 भारतीय छात्रों को निकाला गया। हटाए गए बिहार के वारंट वाले मंत्री। कानून मंत्रालय से कार्तिक की छुट्टी। अब देंगे गन्ना उद्योग विभाग। बीजेपी ने शुरू की विधानसभा चुनाव की तैयारी। हर राज्य में मोदी ही होंगे भाजपा का स्टार चेहरा। सर्वे में स्टेट लीडरशिप फेल। गुजरात दंगों से जुड़े 9 में से 8 केस बंद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इतना वक्त बीतने के बाद इन पर सुनवाई का कोई मतलब नहीं। अन्ना की सीएम केजरीवाल को पहली चिट्ठी। लिखा आपकी शराब नीति से दुखी हूं। आपकी कथनी और करनी में फर्क। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। लश्कर के 3 आतंकी ढेर। सहारनपुर में 39,000 लोगों का वृद्धा पेंशन रुका। पेंशन के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे बुजुर्ग। झांसी में बर्खास्त शिक्षक निकला फर्जी। टीचरों का मास्टरमाइंड। 6 लोगों से 78 लाख लेकर दिए थे फर्जी नियुक्ति पत्र। बरेली डीएम ने वॉर्न बेबी फोल्ड एवं अनाथालय का किया निरीक्षण। वॉर्न बेबी फोल्ड में बच्चों का लिया हाल। प्रयागराज में नाव पर मटन हुक्का पार्टी करने वाले जाएंगे जेल। एसएसपी के आदेश पर दारागंज थाने में एफआईआर दर्ज।
फतेहपुर में मुस्लिम युवक ने कराया नाबालिग का धर्मांतरण, स्कूल जाते समय अपहरण कर हरियाणा ले गया युवक गिरफ्तार। कानपुर में उद्यमियों को 10 दिनों में सीडबी देगा वित्तीय सहयोग, आईआईए भवन में सप्ताह में 2 दिन शीर्ष अधिकारी करेंगे कैंप। मैनपुरी में टेंट व्यवसाय के गोदाम में लगी भीषण आग, समय पर नहीं पहुंची फायर सर्विस, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। डिजिटल रेप के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, मासूम के साथ अकबर अली ने किया था डिजिटल रेप। झांसी में बस ने युवक को कुचला मौत, सांवरिया उतारकर बस को थाने में खड़ा किया, 1 घंटे बाद पता चला महिला फंसी है। श्रावस्ती पहुंचे डिप्टी सीएम ऋषिश पाठक, सीएससी सहित कई अन्य जगहों का किया निरीक्षण। उन्नाव में गंगा घाट इंस्पेक्टर ने पूर्व सैनिकों से किया भद्रता, सीएम और अधिकारियों से ट्विटर पर शिकायत, सीओ को सौंपी गई जांच। बांदा में दबंग भूमाफियाओं के हौसले बुलंद, दबंगों ने राइफल और रिवाल्वर लेकर पीड़ित परिवार के साथ मारपीट का वीडियो किया वायरल। नगलवा दौड़ पंचायत केस में मंत्री संजीव बलियान की पेशी, मुजफ्फरनगर में 31 अगस्त 2013 को हुई थी सचिन गौरव की शोक सभा। जौनपुर में यातायात विभाग ने 42 निजी अस्पतालों को दी नोटिस, पार्किंग व्यवस्था को सुधारने का निर्देश, मनमानी करने पर होगी कार्यवाही। हरदोई में डस्टबिन घोटाले में 183 के खिलाफ एफआईआर, 2 साल चली एसआईटी की जांच, महिला भाजपा नेता को बचाने की हुई थी कवायद। मेरठ मेडिकल कॉलेज से बच्चा चोरी, अस्पताल का कर्मचारी बनकर मां के पास गया, वैक्सीन लगवाने के बहाने ले गया। देवरिया में 64 नलकूप लगेंगे, किसानों को मिलेगी राहत, प्रदेश में 2100 नलकूप लगाने का प्रस्ताव कैबिनेट के पास। मथुरा पुलिस ने किया इनामी बदमाश को गिरफ्तार, मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। मिर्जापुर में घट रहा है गंगा का नदी का जलस्तर, ग्रामीणों को मिली राहत, पीड़ितों में बांटा गया 1460 लंच पैकेट व 365 राशन किट। ललितपुर में छात्र ने फांसी लगाकर दी जान, पिता के पास नहीं थे फीस के लिए पैसे, बीए में कराना था एडमिशन। फर्रुखाबाद ट्रैक्टर ट्रॉली से दबकर बुजुर्ग की मौत, परिवार के साथ दावत में शामिल होने जा रहा था बुजुर्ग। भदोही में घटने लगा गंगा का जलस्तर, 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे घट रहा जलस्तर, बाढ़ ने किसानों का किया भारी नुकसान। बरेली के कारोबारी के पाकिस्तान का झंडा लहराते फोटो वायरल, हिंदू संगठनों ने सीएम से कार्रवाई की मांग की। हरदोई में स्वास्थ्य महकमे की बदनुमा तस्वीर, डीएम को भी नहीं मिल सका इमरजेंसी में 1 मास्क। बांदा में रास्ता नहीं होने के कारण एम्बुलेंस नहीं पहुंची, घायल को चारपाई में लादकर पैदल 700 मीटर चलकर पीआरवी वाहन तक ले गए।
भाजपा पार्षद ने 1.80 लाख में खरीदा चोरी का बच्चा, मथुरा स्टेशन से मां के बगल से उठाया था। हाथरस के डॉक्टर पति पत्नी चलाते हैं गैंग। थाने में घुसकर दी वर्दी उतरवाने की धमकी। वाराणसी में भाजपा बताने वाले ग्राम प्रधान की पुलिस के साथ दबंगई का वीडियो वायरल। उन्नाव में शक्ति मिशन को दिया जा रहा है बढ़ावा। लखनऊ कानपुर रेल रूट पर बढ़ेगी ट्रेनों की रफ्तार। गंगा घाट स्टेशन होगा 5 लेन। शिवपाल यादव ने भतीजे पर कसा तंज। इटावा में शिवपाल बोले, अगर जिम्मेदारी देते तो हर सीट पर 20,000 वोट बढ़ सकते हैं। प्रयागराज वाराणसी में घटने लगा गंगा का जलस्तर। रिहायशी इलाकों में पानी घुसने से लोगों की बड़ी मुश्किलें। डेंगू का खतरा बढ़ा। उत्तराखंड में हरीश रावत के बयान से गरमाई सियासत। विश भर्ती को लेकर बोले, तब मैंने कुंजवाल से कहा था आप आग से आग खेल रहे हैं। उत्तराखंड में अंधविश्वास ने बनाया हैवान। पिता काटता रहा एक एक कर सबके गले। मासूम की चीखें सुन पहुंचे पड़ोसी, मंजर देख कांपे। उत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल। आईएएस पीसीएस समेत 23 नौकरशाहों के विभागों में बदलाव। रुद्रपुर में जहरीली गैस का रिसाव। एसडीएम समेत 47 लोगों का तबियत बिगड़ी। अस्पताल में आईसीयू फुल। उत्तराखंड में 2 सितंबर तक पहाड़ी इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट। मलबा आने से यमुनोत्री हाईवे बंद। उत्तराखंड के रुड़की पथरी के युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या। सड़क किनारे फेंका शव। धर्म संसद मामला में जितेंद्र त्यागी ने जारी किया वीडियो। कहा, जुमे से पहले हरिद्वार जेल में कर दूंगा सरेंडर। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आगे बढ़ी उत्तराखंड सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, अब बस 2 माह का इंतजार। उत्तराखंड के देहरादून में गंगा के घाट पर एक साथ चली 5 चिताएं। हत्यारोपी के छोटे भाई ने दी मुखाग्नि। उत्तराखंड के देहरादून में जौनसार बावर में जागरा पर्व की धूम। देवताओं के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। यूके एसएससी पेपर लीक मामले में उत्तर प्रदेश के नकल माफिया का गुर्गा गोवा से गिरफ्तार। अब तक 30 आरोपी पकड़े गए। उत्तराखंड में सरकारी सेवाओं में 30% आरक्षण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। शासन की उच्च स्तरीय बैठक आज। दिल्ली की युवती से मीटिंग के बहाने बास लाया हरिद्वार। किया सामूहिक दुष्कर्म, दोनों आरोपित गिरफ्तार। उत्तराखंड के देहरादून में स्विगी व जोमेटो में डिलीवरी बॉय की आड़ में बेच रहे थे स्मैक। पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। यूके एसएससी पेपर लीक मामले में सोशल मीडिया पर फूटा युवाओं का गुस्सा। वायरल हो रही है पोस्ट। यूएनएससी में भारत ने कहा, अफगानिस्तान में बड़ी आईएस की मौजूदगी। लश्कर जैश जैसे संगठन क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा।
यूक्रेन के क्यू पहुंची यूएन टीम, रूसी सेना पर दक्षिण में हमले तेज, खेरसरान पर यूक्रेन का बड़ा दावा। ट्रंप के घर में रूसी, ईरानी और चीनी जासूसों की सेंध, रूसी महिला एजेंट को तलाश रही एफबीआई। ताइवान को हथियार बिक्री पर मंजूरी लेंगे बाइडेन, चीन ने जताई आपत्ति, अमेरिकी संसद की अनुमति जरूरी। यूएनजीए डिबेट में शामिल हो सकते हैं जेलेंस्की, रूसी हमले के बाद होगा पहली विदेश यात्रा। महंगाई से राहत का भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं सुनक, अपनी पार्टी के सर्वे में ट्रस्ट से 30 पॉइंट से पिछड़े, कॉस्ट ऑफ लिविंग 18% बढ़ा। तत्कालीन सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव का निधन, उन्हीं के शासन में कम्युनिस्ट शासन का हुआ था पतन। किर्गिस्तान में बर्ड हंटिंग फेस्टिवल, सालबुरुन की धूम, 15 देशों में ईगल हंटर्स ने दिखाए जौहर, 1200 साल पहले हुई इसकी शुरुआत। तालिबान का नया फरमान, दुकानदार बिना हिजाब वाली महिलाओं को नहीं बेचेंगे प्रोडक्ट, आदेश नहीं मानने पर होगी कार्रवाई। पाकिस्तान में बाढ़ से अब तक 1400 लोगों की मौत, पीएम मोदी ने हालात पर दुख जताया, जल्द भेज सकता है भारत मदद। बॉम्बे शेविंग के सीईओ की सलाह, नहीं नौकरी है तो अपने आप को झोंक दे, पोस्ट पर यूजर्स का गुस्सा फूटा। क्रेडिट कार्ड से 118% की दर से बड़ी खरीदारी जुलाई में, इससे रिकॉर्ड 1.17 लाख करोड़ रुपए की शॉपिंग। एफडी वर्सेज किसान विकास पत्र स्कीम, एसबीआई और आईसीआई सहित बैंकों ने एफडी की ब्याज दरें बढ़ाई। ओप्पो ए सीरीज का नया फोन लॉन्च, ओप्पो A57 में मीडिया टेक हेलियो जीत, 35 प्रोसेसर के साथ 50 मेगापिक्सल कैमरा। पाकिस्तान में टमाटर 500 तो प्याज 400 रुपए किलो, चेंबर ने मांगी भारत से आयात की मंजूरी। रुपए की गिरावट पर पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति के सदस्य बोले, ऐसा वैश्विक कारणों से हो रहा है। मुकेश अंबानी बोले, भारत विकास का प्रकाश स्तंभ, व्हाट्सएप पर होगी जियो मार्ट। आईफोन 14 में सैटेलाइट कनेक्टिविटी मिलेगी, सेल्यूलर कवरेज में बिना कॉल्स और मैसेज कर पाएंगे। ईरान में ट्रेडर्स इंपोर्ट के लिए कर सकेंगे क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल, व्हीकल्स के इंपोर्ट का लगभग $1 करोड़ कर दिया था ऑर्डर। के बेमिसाल करियर के आखिरी पड़ाव में सेरेना, यूएस ओपन का हर मैच अंतिम मैच जैसा खेलना चाहती हैं। गंभीर को टीम इंडिया में कोई पसंद नहीं करता, अफरीदी के बिगड़ी बोल पर भज्जी की निकल गई थी हंसी।
विराट के लिए कपिल देव का संदेश, बोले उसे समझाना होगा कि अभी भी आप देश के लिए खेल रहे हैं। हार्दिक पांड्या के करियर में धोनी का रहा सबसे अहम रोल, स्टार ऑलराउंडर ने खुद किया खुलासा। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे को 8 विकेट से हराया, स्मिथ ने खेली कमाल की पारी। बांग्लादेश के खिलाफ नजीबुल्लाह जादर ने मचाया कोहराम, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास, मौजूदा समय में वो लगातार चोटों से परेशान चल रहे थे। अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर सुपर चार के लिए किया क्वालिफाई, सुपर चार स्टेज में जगह बनाने वाली पहली टीम बनी। जदरान ब्रदर्श ने बांग्लादेशी गेंदबाजों का किया बुरा हाल, एमएस धोनी स्टाइल में छक्का मारकर दिलाई जीत। हरमनप्रीत कौर ने इंग्लैंड सीरीज के बाद झूलन गोस्वामी के संन्यास की पुष्टि, कहा उनकी कभी टीम में पूरा नहीं की जा सकती। विद्या बालन ने शेयर किया मजेदार वीडियो, पहली बोली पहले मैं ठीक थी फिर मैंने इंग्लिश सीख ली। आमिर करेंगे लाल सिंह चड्ढा के नुकसान की भरपाई, फेलियर के बाद लिया फैसला नहीं लेंगे फिल्म की फीस। क्रिस रॉक ने ऑस्कर सेरेमनी होस्ट करने का ऑफर ठुकराया, बोली जहां आपकी मौत हुई वहीं फिर बुलाया जा रहा है। वेब सीरीज दहन का ट्रेलर हुआ रिलीज, जिसका चोपड़ा और सौरभ शुक्ला मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। कानूनी विवाद में फंसी टॉम क्रूज की टॉप गन मैवरिक, कॉपीराइट के आरोपों को खारिज करने के लिए पैरामाउंट ने दायर किया मुकदमा। रेप की धमकी देने वाले को जैस्मिन ने दिया जवाब, बोली हिम्मत है तो सामने आकर अपनी पहचान बताओ। शाहरुख दीपिका का थ्रोबैक वीडियो वायरल, दीपिका के बालों को सवारते दिखे शाहरुख खान, दिखी मजेदार केमिस्ट्री। अरबाज की तनाव का टीजर हुआ आउट, 2017 कश्मीर बम धमाके पर आधारित है वेब सीरीज, सोनी लिप पर किया जाएगा स्ट्रीम। हिरासत में जाते केआर के बीमार, फिल्म क्रिटिक ने सीने में दर्द की शिकायत, अस्पताल में भर्ती। अमीषा पटेल पर 2.5 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट्रेस के खिलाफ चल रहे क्रिमिनल ब्रिज मुकदमे पर लगाई रोक। शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।